स्पेशल अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। आजकल जो बोटानिस्ट हैं वो ICBN को फॉलो करते हैं, जो कि इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मनी लैंग्वेज में रिटन है। प्रेजेंट कोड जो है उसमें 6 प्रिंसिपल्स हैं, 75 रूल्स हैं, 57 रिकमेंडेशन हैं और नंबर ऑफ नोट्स और एग्जांपल्स हैं। डाइजेस्टिव प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रिकमेंडेशन इज एज बिलो। अब हम चलते हैं जी नंबर 1 रूल की तरफ। बोटानिकल नोमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। रूल नंबर 1 ये है कि अगर आपका कोई प्लांट का नाम आप रख रहे हैं और वो किसी एनिमल से मैच कर जाता है, एनिमल के नेम से मैच कर जाता है, तो हम उसे रिजेक्ट नहीं करेंगे। जैसे सिक्रोपिया जो है वो एक मौत का नाम भी है और ट्रॉपिकल ट्री का नाम भी है, जो कि फैमिली मुरेसी से बिलोंग करती है। रूल नंबर 2 की बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ नेम्स ऑफ अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय मींस ऑफ नोमेनक्लेचर टाइप्स। यानी कि हम जब भी कोई नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो उसमें हम टाइप को मायने रखते हैं, यानी कि टाइप की तरफ फोकस रखेंगे। किस तरह की टाइप? जैसे कि द स्पेसिमन एसोसिएटेड विद ईच स्पीशी नेम। स्पेसिमन का मतलब होता है कि आपके पास उसका जो प्लांट है वो होना चाहिए, साथ प्लांट भी मौजूद होना चाहिए। तो हमारे पास अगर हम लोग इस टाइप की क्लासिफिकेशन करें जिसमें स्पेसिमन की जरूरत है, तो आप हर स्पीशी के नाम के साथ क्या है उसका स्पेसिमन भी देंगे। रूल नंबर 3, इफेक्टिव वैलिड पब्लिकेशन। जारी सी बात है, कोई भी चीज़ है जब तक वो पब्लिश होती है, पब्लिश होने के बाद उसकी इफेक्टिविटी भी वैल्यू रखती है। तो हम लोग क्या करेंगे, द नोमेनक्लेचर ऑफ अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज बेस्ड अपॉन द प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशंस। द करेक्ट नेम, अर्लीस्ट वैलिडली एंड इफेक्टिवली पब्लिश नेम दैट कन्फर्म्स टू द रूल्स। हम उसी को ही मौका देंगे जो कि सबसे पहले क्या है, वैलिड होगा, फिर इफेक्टिवली पब्लिश भी हुआ होगा और वो कन्फर्म भी करेगा। अब इफेक्टिव पब्लिकेशन ये होती है, अफेक्टिव पब्लिकेशन से ये मुराद है कि आपने जो आपके पास आपने जो बुक बनाई है या आपने जो नेम को टैक्सोनॉमी क्लासिफाई किया है, तो वो क्या पीरियोडिक्स में तमाम बोटानिकल सेंटर्स में वो थ्रू आउट वर्ड जो है वो ट्रांसफर कर दी गया है कि नहीं कर दी गई इनडेलिबल फॉर्म में, ठीक हो गया। तो एक तो वजह ये हो गई। नंबर 2, वैलिडली पब्लिश नेम। अब वैलिडिटी क्या होती है, नेम ऑफ द टैक्सोनिक अकॉर्डिंग अकंपनीड बाय द description of the taxon and a reference to a previously validly published description। हम जिस टैक्सा को नाम दे रहे हैं उस नाम की डिस्क्रिप्शन और उससे पहले किए गए नाम की उसी काम की डिस्क्रिप्शन हमारे पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन शुड इंक्लूड पॉइंट्स इन विच द टैक्सॉन डिफर फ्रॉम इट्स अलाइज, फिगर्स एंड डिटेल्स ऑफ द स्ट्रक्चर। इफ द टैक्सॉन इज अ पैरासाइट द होस्ट शुड बी इंडिकेटेड। अब हमारे पास दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि फिर उसकी डिस्क्रिप्शन में क्या क्या होना चाहिए। उसकी डिस्क्रिप्शन में सारे पॉइंट्स होने चाहिए, उसके एलाइज मतलब उसके जैसे फर्दर होने चाहिए, फिगर्स तमाम होनी चाहिए और वो जो टैक्सॉन अगर पैरासाइट है तो उसके होस्ट का नाम भी मेंशन होना चाहिए। उसके बाद द फर्स्ट वैलिडली पब्लिश नेम ऑफ अ स्पीशी ऑफ अ टैक्सॉन इज वैलिड नेम एंड द फर्स्ट वैलिडली पब्लिश नेम हैज द प्रेसिडेंस ओवर द पब्लिश ऑफ द सेम रैंक पब्लिश लेटर। अगर आप कोई नेम पहले पब्लिश कर देते हैं और बाद में वही पब्लिकेशन होती है, तो वो क्या हो गई, जो पहले की गई है उसको ही सिलेक्ट करेंगे। If other names are subsequently published for the same taxon, they shall be synonym or invalid names. तो अगर वही चीज पे बार बार काम होता रहेगा तो वो invalid भी कहलाएगी या वो क्या कहलाएंगे, उसके synonyms कहलाएंगे। The starting point for such a system of priority was agreed to be Linnaeus species plantarum. और ये जो काम था ये किया था Linnaeus species plantarum में, जो कि पब्लिश हुई थी May 1, 1753 में। रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। साइंटिफिक नेम्स ऑफ अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स आर ट्रीटेड एज लैटिन। जो भी साइंटिफिक आप नेम दे रहे हैं वो लैटिन में होना चाहिए। द जेनरिक नेम ऑफ द स्पेसिफिक एपिथेट मे बी फ्रॉम द लैटिन और लैटिनाइज वर्ड, ठीक है। तो जेनरिक और स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि जो पूरा साइंटिफिक नेम होता है वो पूरे का पूरा लैटिनाइज होना चाहिए। जेनरिक नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और एपिथेट नेम जो है वो इनिशियली स्मॉल लेटर से होना चाहिए। द वर्ड्स विच कैन नॉट बी रेडिली अडॉप्टेड टू द लैटिन टंग शुड बी अवॉइडेड। तो जो भी वर्ड्स लैटिन टंग पे नहीं आ सकते उन्हें अवॉइड करें और जो आ सकते हैं उनको आप करेक्ट कंसीडर करेंगे। सिमिलरली द नेम्स शुड नॉट बी डेडिकेटेड टू अ पर्सन क्वाइट अनकनेक्टेड विद बॉटनी। और आप किसी ऐसे बंदे को डेडिकेट नहीं कर सकते अपना ये टैक्सोनॉमिक वर्क जो के बॉटनी से रिलेटेड ना हो। हमारे पास रूल नंबर 5 है, रिटेंशन चॉइस एंड रिडक्शन ऑफ नेम्स। इफ द बाइनोमियल द स्पेसिफिक एपिथेट रिपीट्स द जेनेरिक नेम। अगर एक हमारे पास स्पेसिफिक एपिथेट है और वो बार बार जेनेरिक नेम में रिपीट हो रहा है, तो वो जारी सी बात है उसमें प्रॉब्लम होगी। किस तरह, जैसे एग्जांपल दी गई है मैलुअस मैलुअस, प्रीवियस बाइनोमियल फॉर एप्पल,
यानी कि जो पुराना एप्पल का नाम है वो मेलवस मेलवस है. इट इज नोन एज द टोटोनिम, और इस प्रोसेस को हम टोटोनिम कहते हैं जिसमें जेनेटिक नेम और स्पेसिफिक एपिडर नेम एक ही होते हैं. एप्पल वॉज क्लोजली रिलेटेड टू पियर पायरस कम्यूनस एंड वॉज देयर फॉर प्लेस इन द सेम जीनस अंडर द पायरस मेलवस. फिर उसके बाद उसको पायरस मेलवस बना दिया गया क्योंकि वो एप्पल जो था वो पायरस से मैच करता था. लेटर ऑन इस पे काम किया गया तो फिर इसको मेलवस जीनस के अंदर जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी हासिल थी. तो फिर हमारे पास एक और चीज आ गई कि स्पेसिफिक एपिथेट को प्यूमिला जो है वो सिलेक्ट किया गया और एप्पल का जो नाम था वो फाइनली बना मेलवस प्यूमुला. क्योंकि टोटोनिमस नेम तो हम लोग नहीं ना उसको कर सकते वैलिड कह सकते या हम उसको इफेक्टिव पब्लिकेशन भी नहीं कह सकते हैं, ना ही तो हम उसको रिटेन कर सकते हैं. अब हमारे पास फर्दर इसमें क्या कैटेगरीज आ जाती हैं. ए कैटेगरी, द स्पीशीज विद द सेम स्पेसिफिक एपिथेट कैन नॉट अकर इन द जीनस, इन द सेम जीनस. अब सेम स्पेसिफिक एपिथेट को हम बार बार क्या है एक ही जीनस में नहीं लेके जा सकते. इफ दिस हैपन इट इज कॉल्ड होमोनिम. अगर ऐसे होता है तो उन दोनों चीजों का नाम एक ही कंसिडर किया जाएगा. द अर्लियर वैलिड नेम विल बी रिटेन एंड द लेटर बिकम सिनोनिम. उसमें से जो पहले वाला होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे और जो बाद वाला होगा उसको हम सिनोनिम बना देंगे. व्हेन अ कैटेगरी बी, व्हेन अ स्पीशीज इज डिस्क्राइब्ड इन वन जीनस एंड लेटर ट्रांसफर टू अनदर जीनस द स्पेसिफिक एपिथेट इफ लेजिटिमेट अकॉर्डिंग टू रूल्स मस्ट बी रिटेन्ड. और अगर क्या है कि एक स्पीशी एक जीनस में डिस्क्राइब हुई है और फिर उसको आपने उठा के बाद में किसी और जीनस में डाल दिया है तो अगर वो लेजिटिमेट है तो हम उसको सही कंसीडर करेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल क्राइसोकोमा अकॉलिस is now treated as Vimonia acaulis. तो देखें कि क्राइसोकोमा जो था acaulis था पहले, फिर हमने क्राइसोकोमा हटा के Vimonia acaulis के साथ उसे लगाया तो वो rules को follow कर रहा था तो according to rules हमने उसको correct consider किया. Category number C हमारे पास है when two or more taxa of the same rank are united. जब हम दो या तीन taxa को हम unite करते हैं the oldest valid name or the epithet is selected. उनमें से जो सबसे oldest होगा वहाँ पे हम वो select करेंगे. For example if the genera Solania Echinocarpus and Phenocosperma are united, Sloania is the oldest name and would be correct. The other two names become the synonyms. बाकी के दो synonym कहलाएंगे. जी, point number six हमारे पास आ जाता है priority of names. Priority is concerned with the precedence of the date of valid publication and determines the accurate acceptance of the two or more names. कहने के हम इसमें देखेंगे कि कौन सा पहले आ रहा है नेम, जो टाइम जिसकी डेट पहले होगी हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे. अ नेम इज सेड टू बी लेजिटिमेट इफ इट इज अकॉर्डिंग विद द रूल्स, इलेजिटिमेट इफ इट इज कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स. लेजिटिमेट यानी कि जो रूल्स को फॉलो कर रहा होगा उसे कहेंगे और इलेजिटिमेट उसे कहेंगे जो रूल्स को फॉलो नहीं करेगा. टू अवॉइड डिसएडवांटेजियस चेंजेस कॉज्ड बाय द स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रायोरिटी some specific generic and family names are conserved by the action of international botanical congress. ठीक है, international botanical congress जो है उन्होंने क्या है बहुत ज्यादा names जो है उनको conserve करके रखा हुआ है. This means that some names, even though they are not oldest legitimate names, are used in the preference over the older name. Okay, तो इसमें क्या होगा कि जो कुछ ओल्डेस्ट नेम होगा, ओल्डेस्ट नेम्स हैं वो क्या है कि वो अगर लेजिटिमेट हुए तो हम ओल्डर नेम से उसको ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं. जी, पॉइंट नंबर सेवन है रैंक्स ऑफ टैक्सा. ईच स्पीशी बिलोंग टू अ सीरीज ऑफ अ टैक्सा ऑफ कंसेक्टिवली हायर रैंक. अ स्पीशी बिलोंग टू द जीनस, अ जीनस टू अ फैमिली एंड फैमिली टू एन ऑर्डर टू अ सब क्लास, अ सब क्लास टू द क्लास, क्लास टू सब डिवीजन एंड सब डिवीजन टू अ डिवीजन. द नेम ऑफ द डिवीजन शुड एंड इन फाइटा एक्सेप्ट इन फंजाई. डिवीजन का एंड होगा फाइटा में, फंजाई में ये फॉलो नहीं होगा. द सब डिवीजन का एंड होगा फाइटिनी में, फंजाई में ऐसा नहीं होगा. क्लास होगा ऑप्सिडा में, एल्जियर फंजाई में ऐसा नहीं होगा. सब क्लास होगा नीडी में, ऑर्डर होगा एल्स में, फैमिली एसी में, एंड द सब फैमिली इन ओईडी एंड ट्राइब एआई एंड सब ट्राइब इन आई. द नेम्स ऑफ द ऑर्डर्स आर टेकन फ्रॉम वन ऑफ द प्रिंसिपल जीनस ऑफ द फैमिली विद द एंडिंग एल्स. फॉर एग्जाम्पल रोजेल्स. कह रहे हैं कि जब आप किसी भी ऑर्डर का नाम लिख रहे होते हैं तो आप उसके जीनस को देखते हैं और उसके एंड पे एल्स लगा देते हैं. जैसे रोजा जीनस का क्या बनेगा, रोजेल्स बनेगा. सेम फैमिलीज, सब फैमिलीज और ट्राइब का नाम भी हम इसी तरह जीनस देख के बनाते हैं और उसके एंड पे क्या है हम लगा देते हैं ए सी ओ डी ई आई एंड एन आई. बट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग एट फैमिलीज आर एक्सेप्टेड.
ये चीज जो है जो नीचे आपको नाम दिए गए हैं ये एक्सेप्टेड है यानी कि इनसे हटके हैं, बट ईच हैव द एन एक्सेप्टेड अल्टरनेटिव नेम विच मे बी कंजर्व फॉर द यूज बाय एनीवन हु इलेक्ट्स द अल्टरनेटिव नेम एंडिंग इन एसी। कह रहे हैं कि अगर एसी वाले नेम जो है वो नहीं यूज करता कोई और उसके बजाय उसके अल्टरनेटिव नेम्स यूज करता है तो वो ओल्डर नेम्स भी कंजर्व किए हुए हैं अभी तक कुछ फैमिलीज के लिए। ये फॉलोइंग एट फैमिलीज हैं, आपको इमेज नजर आ रही होगी, उसमें है ग्रैमिनी, ठीक है, इसका न्यू नेम पोएसी है और ये टाइप पोअस है। फिर जी ओल्डर नेम है क्रूसीफेराए, जिसका न्यू नेम है ब्रासिकेसी और टाइप ब्रासिका से बिलोंग करती है। लेग्यूमिनेसी, इसका न्यू नेम फेबेसी है, फेबा। गटीफेराए, ठीक है, इसका जो न्यू नेम है वो है क्लोसीएसी और क्या है इसका क्लशिया है इसका टाइप। फिर है जी एम्बेलीफेराए, एपीएसी फैमिली न्यू नेम है इसका और जो है ये टाइप एमिया से निकला है। लेबिएटी, ठीक है, ये हमारे पास ओल्डर नेम है और लेमिएसी इसका न्यू नेम है और लेमियम जो है टाइप से ये निकला है। कंपोजिटी, इसका ओल्ड नेम है और न्यू नेम है एस्ट्रेसी और ये टाइप एस्टर से निकला है। ओल्डर नेम है पाल्मी और न्यू नेम इसका है एरिकेसी और ये टाइप एरिका से निकला है। तो ये आपने इमेज को इस तरह से देख लिया। नेक्स्ट चलते हैं जी साइटेशन ऑफ ऑथर्स नेम। ओके जी, साइटेशन की बात करते हैं। जाहिर है किसी भी ऑथर ने कोई काम किया है तो उस साइटेशन में उसका नाम देना चाहिए। फॉर द इंडिकेशन ऑफ द नेम टू बी एक्यूरेट एंड कंप्लीट इट इज नेसेसरी टू साइट द नेम ऑफ द ऑथर्स हुज फर्स्ट वैलिडली पब्लिश द नेम्स। ऑथर नेम इज पुट आफ्टर द नेम ऑफ द प्लांट एंड इज अब्रीविएटेड, फॉर एग्जाम्पल सोलैनम नाइग्रम एल। सोलैनम नाइग्रम के आगे जो एल लगा हुआ है वो लिनाइस के लिए है। इसी तरह वर्नोनिया अरकानसाना के लिए भी यूज होता है। उसके बाद आप देखें तो जो ए पी डी कंडोली है उसके नाम के लिए हम डी सी लगाते हैं नेम्स के एंड में। व्हेन नेम्स आर पब्लिश्ड बाय द टू ऑथर्स द ऑथर साइटेशंस आर लिंक्ड बाय ईदर एट एंड और एट। लैटिन में इसको हम एंड ही कहते हैं। कह रहे हैं कि अगर दो ऑथर्स ने काम किया है तो हम साइटेशन में उनका नाम साथ लिखेंगे, दरमियान में एंड लगा देंगे या हम एट लगा देंगे, क्योंकि लैटिन में जो एंड है उसका मतलब एट ही है। फॉर इंस्टेंस ओपंशिया पलार्डा पलार्डी, ओपंशिया पलार्डी ब्रेट एट रोज फॉर एन एल ब्रिटन एंड जी एन रोज। तो आपको समझ आ गई होगी यहाँ पे ब्रिटन और रोज के नाम जो है वो एट के साथ यूज किया गया है। चलते हैं जी अपने नाइन्थ पॉइंट की तरफ, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप कॉन्सेप्ट। द टाइप मेथड इज यूज बाय द टैक्सोनोमिस्ट एज द लीगल डिवाइस टू प्रोवाइड द करेक्ट नेम ऑफ अ टैक्सॉन। ये लीगल डिवाइस है, अगर आप किसी भी टैक्सॉन को नाम दे रहे हैं तो उसको कितना लीगल आप काम करें ये डिसाइड करने के लिए। कोई भी ऑथर है जब वो काम कर रहा हो तो उसके पास क्या है, स्पेसिमेन होना चाहिए। वो स्पेसिमेन किस टाइम पे कलेक्ट कर रहा है और वो जो हर्बेरियम है उसकी किस टाइम पे आ रही है, उस चीज को हम लोग फोकस करते हैं इसमें। क्योंकि कैटास्ट्रोफिक कभी भी हो सकते हैं, नागहानी आफात अल्लाह ताला की तरफ से कभी भी आ सकती हैं, तो आपका मटेरियल डैमेज हो सकता है, आपका स्टोर किया हुआ स्पेसिमेन डैमेज हो सकता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम ये टाइप यूज करेंगे। होलोटाइप, आइसोटाइप, लेक्टोटाइप, सिन टाइप, पैराटाइप, नियोटाइप, ठीक हो गया, ये टाइप्स हम लोग यूज करेंगे, सिक्स टाइप्स हैं। होलोटाइप क्या होता है, ये हम कहेंगे द स्पेसिमेन डिजाइनेटेड बाय द ऑथर एज द टाइप स्पेसिमेन, ये सबसे पहला होगा और ये हम कहेंगे ऑथर की तरफ से दिया गया है। आइसोटाइप क्या होगा, इट इज अ डुप्लीकेट स्पेसिमेन ऑफ अ होलोटाइप कलेक्ट at the same place at the same time, उसी time पे अगर author एक और plant भी ले लेता है तो वो क्या हो गया, उसका isotype हो गया। Lectotype, if the specimen chosen by later worker from the original material studied by the authors of the species when no holotype was designed नेटेड और वेन द होलोटाइप हैज बीन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। कह रहे हैं कि अब एक ऑथर था, उसने एक प्लांट को सिलेक्ट किया था, उसके बाद वो उससे या तो लॉस्ट हो गया और उसके बाद उसके जो वर्कर्स थे उन्होंने क्या है सेम प्लांट को कलेक्ट किया और उन्होंने क्या है उस पर वर्क कर दिया, तो क्या होगा कि जो हमारे पास जो लेटर ज़रा वर्कर्स के जो सेलेक्ट किए हुए स्पेसिमेंस हैं उनको हम लेक्टोटाइप कहेंगे। फिर आती है जी बारी सिन टाइप की। इट इज द वन ऑफ द टू और मोर स्पेसिमेंस साइटेड बाय एन ऑथर ऑफ द स्पीशीज व्हेन नो होलोटाइप वाज डिजाइनड। यानी कि जब एक ऑथर गया और उसने दो प्लांट तोड़ दिए एट अ टाइम और वो जो दोनों प्लांट हैं अब उसमें से उसने सेलेक्ट नहीं किया होलोटाइप कौन सा है, तो वो दोनों आपस में क्या लगे, सिन टाइप लगे, पैराटाइप। इफ ऑथर साइटेड टू और मोर स्पेसिमेंस एज टाइप्स, अब वो दो या दो से ज्यादा ले आता है स्पेसिमेन, अब उसमें क्या है
द रिमेनिंग साइटेड स्पेसिमेंस आर पैराटाइप. एक को तो होलोटाइप बना देगा, बाकी जो पीछे बच जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, पैराटाइप कहलाएंगे, नियोटाइप. व्हेन ऑल द ओरिजिनल स्पेसिमेन एंड देयर डुप्लीकेट्स हैव बीन लॉस्ट, सारा कुछ जो लेकर आया था ऑथर वो सब लॉस्ट हो गया, दोबारा लेकर आ रहा है वो नया, तो फिर उसको कहेंगे नियोटाइप, कल्टिवेटेड प्लांट्स. अब जी यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास कि हम अगर कोई आप वर्क कर रहे हैं और आपने प्लांट को कलेक्ट किया है, अगर आप उसको नेटिव हैबिटेट में स्टडी नहीं कर सके तो आप उसको यहाँ पर लाके कल्टिवेट करें, लेकिन जब आप उसको टैक्सोनॉमी में लिखेंगे तो वो वही प्रूव होगा कि आपने ओरिजिनल टैक्सोनॉमी का वर्क ही किया है. उसके अलावा जब हम लोग हॉर्टिकल्चर या काम करते हैं कल्टीवेशन का, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है. हाइब्रिडाइजेशन के बाद उसमें कल्टीवर का नाम जो है वो पब्लिश करना लाजमी हो जाता है. तो हम लोग पब्लिश जो नाम करेंगे कल्टीवर का, उसके जो है वो रूल्स हैं. एक तो ये है कि आपने कल्टीवर का नाम जो है वो किस तरह से फॉलो करना है वो भी बताते हैं. उसके बाद जो करैक्टर आपने फॉलो करने होते हैं एक कल्टीवर को नाम देने के लिए, उसमें मॉर्फोलॉजिकल होते हैं, फिजियोलॉजिकल होते हैं, साइटोलॉजिकल, केमिकल और सेक्सुअल, एसेक्सुअल, सारे आप उसके प्रोसेस को देख के उसको नाम रखते हैं कोई भी कल्टीवर का. अब जो कल्टीवर का नाम आपको पता चल गया, तो आप उस स्पीशी के नाम के साथ कल्टीवर का नाम लिखेंगे, तो उसके दो रूल्स हैं. एक तो ये है कि आपने या तो उस कल्टीवर का नाम जो है वो कैपिटल से स्टार्ट करना है, फर्स्ट नेम, फर्स्ट जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा उसके नाम का. और दूसरा रूल ये है, या तो आप उसका नाम लिखें कैपिटल लेटर से तो शुरू करें, लेकिन उसके गिर्द सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगा दें. तो ये था जी आज का लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ऑल्सो कमेंट एंड इन्फॉर्म मी क्या चीज़ नहीं समझ आई. अगर आपको ये मटीरियल PDF या PPT में चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट के जरिए. कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि हमें ये मटेरियल प्रोवाइड किया जाए. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.